नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। करीब 100 साल पहले वाराणसी से मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति चोरी हुई थी। बाद में पता चला कि मूर्ति कनाडा में है। किस तरह मूर्ति को कनाडा से दिल्ली लाया गया और फिर दिल्ली से रथ यात्रा के रूप में वाराणसी पहुंची, उससे जुड़ी एक एक जानकारी और पल पल की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आज तक पर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी से मेरी सहयोगी चित्र आपको एक एक तस्वीर दिखा रही है, किस तरह से काशीवासी हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। बड़ा दिन, एक शुभ मौका काशी के लिए। मां अन्नपूर्णा अपने धाम लौटी हैं एक लंबे वक्त के बाद, 108 साल के बाद। आज मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना होगी, भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं। लोग नाच गाकर मां अन्नपूर्णा का स्वागत कर रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पुनर्स्थापना में भी शामिल होंगे, मौजूद होंगे। तो आज का दिन बेहद खास और साथ ही देवउठनी एकादशी का भी आज शुभ मौका है, जिसकी वजह से काशी में आज आनंदमय माहौल है। अद्भुत तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर आज तक पर आपको हम दिखा रहे हैं, दुर्गा कुंड मंदिर में भव्य स्वागत की तैयारी है, मंदिर तक भव्य रथ यात्रा निकाली गई और आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए आप। सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद होंगे और कुछ ही देर में वो पहुंचने भी वाले हैं। काशी के धर्माचार्य भी शामिल होंगे, पूरी विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर की शानदार सजावट देखते ही बन रही है, कई दिनों से इस दिन का इंतजार हो रहा था। भव्य तैयारियां काशी में की गई हैं, भक्तों की लंबी कतार सुबह से ही मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। हर कोई एक बार मां अन्नपूर्णा के दीदार करना चाहता है, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता है। शिव की काशी आज दुल्हन की तरह सजी हुई है और आज बहुत ही अद्भुत संयोग है एकादशी का भी, जिसके लिए श्रद्धालु दूर दूर से गंगा में पवित्र स्नान के लिए पहुँचते हैं। और साथ ही आज माँ अन्नपूर्णा के प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है, जिसकी तैयारियां लगातार कई दिनों से चल रही थी। चित्रा त्रिपाठी लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, वाराणसी से जुड़ी हुई है मेरे साथ। एक बार फिर से चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा, जो आप तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, आपके माध्यम से हम भी मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर पा रहे हैं। यकीनन अद्भुत वहां का नजारा इस वक्त, और आगे क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपको सीधी देखिए, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बिल्कुल जो द्वार है बाबा विश्वनाथ का, विश्वनाथ कॉरिडोर का, वहां तक पहुंच चुकी है। वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ और डमरू के साथ माता रानी के स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर ही आ चुके हैं। सबसे पहले इधर तस्वीरें दिखाइए, आप भगवान जी के दर्शन करें। देखिए अंदर हमें जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया को जहां तक परमिशन मिली है वहीं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य जो आप गर्भगृह देख रहे हैं, जिसको फूलों से सजाया गया है बेहद ही खूबसूरती से, ये मुख्य गर्भगृह है भगवान भोलेनाथ का, जहां पर शिवलिंग के रूप में बाबा विराजमान है। वहां पर दर्शन के लिए कतारें लगी रहती हैं और आज चूंकि मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना के लिए, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो यहां पर और ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत लंबी ये कतार है जैसा कि आप देख रही हैं, और सोमवार के दिन ये जो लंबा कतार है और लंबी हो जाती है। कहा जाता है 1.5 लाख से 2 लाख लोग एक दिन में, यानी कि हर सोमवार को यहां पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। फूलों से सजाया गया है इस पूरे के पूरे प्रांगण को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भगवान का शिवलिंग उसी में है। और यहां पर आकर लोग अपने पुष्प अर्जित करते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। और यहां पर आप देखिए तैयारियां किस तरह से चल रही है, चूंकि विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी होना है, जो बनकर तकरीबन 95% के आसपास तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ फूलों से सजाया गया है, चूंकि मां अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए पूरे के पूरे परिसर को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। ये द्वार दिखाइए, 34 फीट ऊंचा ये द्वार आप देख पा रही हैं। आपको बता दें इस तरह के कुल 4 द्वार बनाए गए हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और इसको भी फूलों से सजाया गया है। और इसी तरह के एक द्वार से, ये पूर्वी द्वार है, ये पूर्वी द्वार है जहां से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति अंदर आएगी। और उसके बाद आप देखिए किस तरह की तैयारियां, पूर्वी द्वार है, पश्चिमी द्वार, उत्तरी द्वार, दक्षिणी द्वार, हर तरफ तैयारी कर ली गई है। यहां पर मीडिया के कैमरे हैं। एक और द्वार की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा का पूरा परिसर आप देख पा रही हैं। आपको बता दें ये विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण किया गया है, यहीं से बस कुछ ही दूरी पर, मैं चाहूंगी कि एक बार उस पार की तस्वीरें भी दिखा दीजिए हिमांशु आप, दाहिनी तरफ की तस्वीरें। आपको बता दें कि वो सामने जो यात्री दूर दूर से आएंगे, व्यूइंग गैलरी है, और वहां पर बिल्कुल सामने जो इमारत आप देख रहे हैं, वहां पर खड़े होकर वो एक तरफ बाबा
बाबा के काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे, तो वहीं चित्रा वापस आपका रुख करेंगे। जो तस्वीरें मिल रही हैं वो दर्शकों को हम दिखा दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये देखिए, इस पल का सभी को इंतजार था। मंदिर परिसर में आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आज बेहद बड़ा और खास मौका है काशीवासियों के लिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ब्राह्मण मंत्रोच्चार भी होना है, चार वेदों का परायण भी होगा, पंचांग पूजन के दौरान सभी शास्त्री और पुजारी भी रहेंगे और इस पूजन के बाद हवन भी किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक पुनर्स्थापना का कार्य करेंगे, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से चित्रा का रुख कर लेते हैं। चित्रा, तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और देखिए सीधे उस स्थल पर वो जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। एक मंडप बनाया गया है, हिमाचल हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, एक मंडप बनाया गया है और बिल्कुल उसी के ठीक दाहिनी तरफ आपको बता दें माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन वाराणसी का दौरा करते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, वैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तकरीबन 800 करोड़ रुपयों से जिसका निर्माण किया गया। आपको बताते चले कि पहले इतनी भव्यता नहीं थी, आसपास बहुत सारे घर थे जिससे इस प्रांगण की जो भव्यता और खूबसूरती जो दिव्यता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं छिप गई थी, लेकिन बाद में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत तमाम घर लिए गए और दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसे घर रहे जिसके अंदर से बड़े बड़े मंदिर निकले हैं, क्योंकि बड़ी इमारतें बन जाने की वजह से मंदिर उस तरह से नजर नहीं आते थे, लेकिन अब सभी की पुनर्स्थापना की जा रही है, सभी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कई ऐसे भगवान जी की मूर्तियां मिली जो अगर किसी ऐसी अवस्था में थी उनको ठीक करवा के फिर से रंग रोगन करके उनको दोबारा उसी रूप में लेकर आया जा रहा है, जैसा कि और यहां पर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अब बस कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार के बीच और यकीनन योगी जी के लिए भी मुख्यमंत्री के तौर पर, चूंकि वो गोरखपुर के महंत हैं जहां से बाबा गोरक्षनाथ के धाम से वो आते हैं, तो उनके लिए भी आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी देखिए इसी के साथ एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख के बाद कभी भी कर सकते हैं, तो एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है, आखिरी चरण का अब यहां पर जो कामकाज है वो चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा की यहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनकी पुनर्स्थापना के लिए आए हैं और रास्ते की तस्वीरें भी हमने दिखाई, कितनी अद्भुत थी, अविस्मरणीय अलौकिक ये तस्वीरें जिसको हर काशीवासी अपने जेहन में अपने दिल में अपनी आंखों में अपने मन में बसा लेना चाहता था, क्योंकि सभी को पता है माँ अन्नपूर्णा नाम में ही सब कुछ छुपा है, अन्नपूर्णा यानी कि जो अन्न देती है, जो कभी उसकी कमी नहीं करती, उन देवी की पूजा उपासना के लिए हर एक देवता उनकी उनके पास गए और उनसे इस बारे में आशीर्वाद माना कि कभी भी अन्न की कमी ना हो। ऐसी वजह से भगवान शिव के बारे में भी इस तरह की पुरानी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव भी माँ अन्नपूर्णा से मुलाकात कर उनसे कहा था कि कभी भी अन्न की कमी ना हो और इस तरह से उन्होंने उनसे काशी के लिए खास तौर से उन्होंने वचन लिया था। और जब ये मूर्ति चोरी हो गई थी एक अलग तरह की उदासी थी, लेकिन अब वो उदासी उमंग में तब्दील हो चुकी है, अब ये उमंग उल्लास में नजर आ रहा है, ये उल्लास एक अलग उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है और काशीवासियों के लिए काशी नगरी उत्सव की नगरी मानी जाती है और आज किसी उत्सव से कम वहां पर नहीं लग रहा है। और मूर्ति पुनर्स्थापना कार्यक्रम में बतौर यजमान भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। चित्र, और कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा इस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए? तो योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम में, माता अन्नपूर्णा की मूर्ति पुनर्स्थापना कार्यक्रम में बतौर यजमान वो भाग ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चित्रा लगातार बनी हुई है। चित्रा, और कौन कौन मौजूद होगा प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ कार्य होगा उसको संपन्न करने के लिए, कौन कौन शामिल हो रहे हैं?
हाँ देखिए, सबसे बड़ा चेहरा तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप देख पा रही हैं मंत्रोच्चार हो रहा है और यकीनन यहाँ का पूरा जो वातावरण है वो अलग ही सुगंध दे रहा है, अलग ही माहौल यहाँ पर है। और यकीनन आज की इस तस्वीर देखिए, इसके मतलब समझिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ी है, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो हिंदुस्तान से चोरी करके लेकर जाई गई, जो प्राचीन मूर्तियां रही, जो आध्यात्मिक मूर्तियां रही, जिसका यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व रहा, ऐसे जब आक्रमणकारी यहाँ पर आए, जब बाकी दूसरे जगहों से लोग आए तो उनको उन मूर्तियों के बारे में जानकारी लगी, उन्होंने उसको चुरा लिया और यहाँ से देश के बाहर लेकर चले गए। वहां पर बाद में संग्रहालय में कनाडा में भले ही रखा गया, लेकिन वो मूर्ति हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए और खासतौर से वाराणसी के लिए, जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, जो दीपों का शहर कहा जाता है, जो हमेशा शंख से गुंजायमान रहता है, जहाँ पर माँ गंगा कलकल करती हुई बहती रहती है, उत्तरायणी है माँ गंगा, और जहाँ पर यह भी कहा जाता है कि मोक्ष के लिए अगर कहीं जाना है तो वाराणसी से बेहतर जगह कहीं हो नहीं सकती, यानी कि ये वो धरती है जो संपूर्ण है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर खड़ी हुई है, ये वो धरती है जहाँ पर एक तरफ शिव है, दूसरी तरफ माँ गंगा है, और अब तीसरी तरफ इसी प्रांगण में माँ जब अन्नपूर्णा की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा तो वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी कोशिशों के बाद आज ये दिन आ पाया है और वो तस्वीरें पूरे देश भर के लोग देख रहे हैं। यकीनन जो परंपरा रही है, जो संस्कृति रही है, क्योंकि वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता रहा है, तो यकीनन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं, सबसे बड़ा चेहरा तो खुद मुख्यमंत्री हैं, बाकी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, जो पुजारी हैं काशी विश्वनाथ जी के, वो बैठे हुए हैं वहां पर, तमाम दूसरे लोगों की भी, गणमान्य लोगों की मौजूदगी है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं अर्पिता, और इसका गवाह बनने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और काशी की समृद्धि देवी मानी जाती है मां अन्नपूर्णा, और आज जब उनकी वापसी हुई है, जब वो अपने धाम एक बार फिर से लौटी हैं, तो काशी वासियों में बेहद उत्साह है। और तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं ये शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, क्योंकि भव्य स्वागत मां अन्नपूर्णा का किया गया है। लंबा वक्त था जो जितना दूर वो अपने धाम से रही है, 100 साल के बाद वापसी हुई है, तो सभी के चेहरे खिले हुए हैं, भव्य तैयारियां यहाँ पर माँ के स्वागत के लिए की गई हैं, और प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। और साथ ही चित्रा, ये भी बताइए कि आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। शिव की नगरी काशी दुल्हन की तरह सजी है, आज भव्य नजारा वहां से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौका ही ऐसा है। करीब 100 साल पहले वाराणसी से मां अन्नपूर्णा की जो प्राचीन मूर्ति चोरी हुई थी, उसकी पुनर्स्थापना आज होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और मां अन्नपूर्णा का भव्य स्वागत किया गया है। मूर्ति को कनाडा से दिल्ली लाया गया और फिर दिल्ली से रथ यात्रा के रूप में ये मूर्ति वाराणसी पहुंची। खूबसूरत सजावट मंदिर में इस वक्त देखने को मिल रही है, और ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा की आरती उतारते हुए मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, जिसकी कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। पुनर्स्थापना के लिए मूर्ति को ले जाया जा रहा है। एक बार फिर से चित्रा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार वो ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। चित्रा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? तस्वीरों में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती उतारी मां अन्नपूर्णा की, और अब मूर्ति को ले जाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, मूर्ति को लेकर जाया जा रहा है, मंत्रोच्चार के साथ ही यहाँ पर तमाम शास्त्र विधि विधान के हिसाब से पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। पूरा का पूरा प्रांगण, जैसा कि आप देख पा रही हैं, गुंजायमान हो उठा है, और यकीनन आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इसकी पुनर्स्थापना, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके लिए भी लंबी चौड़ी एक पूरी प्रक्रिया होती है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी भी मूर्ति की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, भगवान गणेश के आह्वान के साथ शुरुआत की जाती है, सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, मंत्रोच्चार
तैयार होता है, माँ की आराधना की जाती है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो पूजा अर्चना में उसके लिए माफी मांगी जाती है और फिर उसके बाद माता रानी की जो मूर्ति है उसको उनकी जगह पर पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया जाता है। और वही तस्वीर इस वक्त हम यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है और यकीनन इसका इंतजार किया जा रहा था। देखिए जैसे ही कनाडा से मूर्ति राजधानी दिल्ली लाई गई उसके बाद से ही इसको लेकर कार्यक्रम बनने लगे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश में माता रानी की भव्य यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ऐसी होती है जिनका आशीर्वाद हर कोई पा लेना चाहता है। मैं आपको बताती चलूँ कि माता रानी के जब हमने जब उनके रथ पर यात्रा की, जब उनके साथ माता रानी के आशीर्वाद की प्राप्ति हमें हुई तो आप देखिए इस तरह से अन्न हमें भी मिला। मैं चाहूँगी हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाएं, ये जो प्रसाद है इसको लेने के लिए भी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। माता रानी को जो प्रसाद चढ़ता है उसके बाद लोग चाहते हैं कि उसका छोटा सा भी कण, छोटा सा भी अंश हमें मिल जाए तो माँ हमारे घर में हमेशा धन धान्य और अन्न से उसे संपूर्ण रखेंगी। और यकीनन वही अन्नपूर्णा देवी है, अलग अलग नामों से उन्हें भले ही पुकारा जाता हो लेकिन अन्न की ये देवी, हर एक जो मनुष्य है वो माता रानी की उपासना करता है क्योंकि अन्न हम सब जानते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए, और वही माँ अन्नपूर्णा उसे पूरा करती है। कभी भी अन्न की, धन धान्य की, सुख की, समृद्धि की, शांति की कमी ना हो, माता रानी आशीर्वाद देती है। और आप जैसा कि देख पा रही हैं कि यहाँ पर अब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, तमाम दूसरे मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है और माता रानी यहाँ पर अब आती हुई उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसका बेसब्री से यहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे। मलिका चित्र और आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से दर्शक घर बैठे माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कर पा रहे हैं क्योंकि समृद्धि की देवी है और आध्यात्मिक रूप से काशी के लिए माँ अन्नपूर्णा बहुत महत्व रखती हैं। और जैसा कि चित्रा भी आपको बता रही थी, एक लंबी इसकी प्रक्रिया है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका साक्षी भी बन रहे हैं, इसके गवाह भी बन रहे हैं और इसमें शामिल भी हो रहे हैं। तो यकीनन एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर और काशी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन। काशी उत्सव की नगरी तो मानी जाती ही है और आज जब 100 साल के बाद माँ अन्नपूर्णा की अपने धाम में वापसी हुई है, जब माँ अन्नपूर्णा लौटी है और मूर्ति स्थापित होने जा रही है तो एक उत्सव का माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये विहंगम नज़ारा, अद्भुत दृश्य जो हम देख पा रहे हैं। चित्रा आगे क्या कुछ प्रक्रिया बची है, क्योंकि अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं स्थापना की शुरुआत हो चुकी है, आगे क्या कुछ होना बाकी है? देखिए जो शुरुआत होनी थी उसकी हो गई है लेकिन मंत्रोच्चार के साथ, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा अर्चना होती है उसकी प्रक्रिया लंबी होती है तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। धीरे मंत्रोच्चार के साथ धीरे धीरे पूरी की पूरी पूजा पद्धति यहाँ पर आगे बढ़ती हुई, दैविक मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, जैसा कि मैंने बताया मलिका आपको कि संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और भगवान शिव की ये नगरी है, यहाँ पर तो वैसे भी खुद जब भोलेनाथ विराजते हो तो उस जगह पर बाकी देवी देवता आपको हर जगह मिली जाएंगे। इसी प्रांगण में जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, जैसे कि दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आपने जैसे कि देखा ब्राह्मण मंत्रोच्चार चल रहा है, चार वेदों का पारायण भी होगा, पंचांग पूजन के दौरान सभी शास्त्रीय पुजारी भी मौजूद रहेंगे। Yeah.
चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा, मंत्रोच्चारण यहाँ पर चल रहा है, बेहद विहंगम ये दृश्य। आप बिल्कुल सही कहा मलिका आपने, बेहद विहंगम ये दृश्य है और यहाँ पर अलग अलग मंत्रोच्चार से जब ये पूरा का पूरा वातावरण गुंजायमान होता है तो उसकी वहाँ यहाँ पर मौजूद होकर उसको बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आध्यात्मिक ये नगरी है, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है। यकीनन अगर इस धरती पर मंत्रोच्चार के जरिए माता रानी माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति की अगर पुनर्स्थापना की जा रही है तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी, पूरा का पूरा प्रांगण, बहुत बड़ा सा प्रांगण है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद 8 अलग अलग पत्थरों से, संगमरमर से इस पूरे के पूरे प्रांगण को तराशा गया है, बनाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी हिस्से हैं सबको गेंदे के फूल से बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। माँ की पालकी आई, माँ को विराजमान किया गया, पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा अर्चना माँ की आराधना के जरिए माँ का आशीर्वाद लिया जाएगा। और यकीनन मुख्यमंत्री की भी यही कोशिश होगी, जिस तरह से तमाम संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवताओं की ओर से माता की आराधना करते हुए उनसे अन्न का वरदान मांगा गया कि किसी भी मनुष्य को इसकी कमी ना हो, यकीनन मुख्यमंत्री का भी ये राजधर्म है। वो माता रानी के सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना में तल्लीन हैं, शामिल हैं और यकीनन उनकी ओर से भी यही कोशिश होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी वाला एक प्रदेश है और यकीनन 3 महीने के बाद यहां पर इलेक्शन भी होने हैं। इन तस्वीरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक अलग मैसेज देने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए, चूंकि आज की ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं और इसका महत्व भी कहीं बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से इन तस्वीरों पर रहते हुए मुख्यमंत्री की भी यही कोशिश होगी कि माता रानी से आशीर्वाद मांगे ताकि प्रदेश में कोई भी नागरिक ऐसा ना रहे जिसको कभी भी अन्न की कमी हो। और यकीनन हर कोई माता रानी के दरबार में जब उनके सामने हाजिरी लगाने के लिए जाता है तो उसकी यही मुरादें होती हैं जिसको माता रानी पूर्ण करती हैं। और माँ तो वैसे भी अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए माँ को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब खुद अन्न की देवी सामने हो तो माँ के सामने अगर आप शीश नवा दें, उनके हाथ जोड़कर आप नतमस्तक हो जाएं, उनसे आशीर्वाद मांग लें तो उतना ही बहुत है। और इसी वजह से देखिए अन्नपूर्णा माता रानी का वाहन किया जा रहा है, अन्नपूर्णा देवी की आराधना के लिए मंत्रोच्चार यहाँ पर शुरू हो चुका है, उनको उनसे पूजा पाठ की तमाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, और यही तस्वीरें आप देख पा रही है। लेकिन अन्नपूर्णा की ये मूर्ति जिस जगह पर विराजमान है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जब जहां पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, यानी कि काशी विश्वनाथ का वो मंदिर, वो गर्भगृह जहाँ पर दूर दूर से भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं, बिल्कुल वहां से तकरीबन मुझे लगता है कि 40 कदम की दूरी पर, मैं चाहूंगी आप दिखाइए हिमांशु, ये वो मंदिर है भगवान भोलेनाथ का जहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है, भक्त लाइन में लगकर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। सोमवार के दिन यहाँ पर तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान नंदी भी आपको दिखाई दे रहे हैं जिस पर लोग जल अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां से तकरीबन 40 कदम की दूरी पर, यानी कि बिल्कुल पास में ही माता रानी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, यानी कि इस हिस्से में जो कोई भी आएगा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए वो सीधे जाकर यहीं पर माता रानी के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर पाएगा। 100 साल पहले आप जरा सोचिए, किसी ने कल्पना भी की थी कि 100 साल पहले जो मूर्ति यहाँ से चोरी कर ली गई हो उसको कनाडा में कहीं रखा गया हो और जब इसके बारे में जानकारी मिलती है तो फिर यहाँ से माता रानी को वापस वाराणसी लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर बड़ी कोशिशों के बाद उनकी मूर्ति को लेकर आया गया, पालकी में सवार होकर वो अपने उस धाम आ गई हैं जहां का इंतजार खुद माता रानी भी कर रही होंगी, क्योंकि इसी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल समीप उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। तो आज का दिन बेहद अद्भुत है और वही तस्वीरें इस वक्त लगातार आप देख रही हैं मलिका और हमारे तमाम दर्शक भी। बिल्कुल चित्रा, और अब मैं श्वेता जुड़ चुकी हूँ आपके साथ और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अद्भुत है, कई मायनों में काफी खास है। योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। काशी को दरअसल अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है, आपको हम बता दें कि काशी को अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है। और आज जबकि अन्न की देवी, अन्न के भंडार की देवी, जो कि लोगों को अन्न मुहैया कराती है, उसकी देवी जब खुद माँ अन्नपूर्णा आज पहुंची है 100 साल बाद
उसी जगह पर ईशान कोण में, आपको हम बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में माता की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस जगह पर जब आज माता की मूर्ति, ये वहां पर प्राचीन मूर्ति पहुंची है, तो हर्षोल्लास की क्या बात कहने। यहां पर प्राण प्रतिष्ठा जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। किसी भी मूर्ति, अगर आप घर में भी किसी मूर्ति को लाते हैं और उसे स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले सनातन धर्म में ये मान्यता है कि आपको उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। और इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा ही चल रही है। और देखिए जय जयकार नारे लग रहे हैं माता अन्नपूर्णा के। चित्रा हमारे साथ बनी हुई है। चित्रा, चाहे आप हो चाहे मैं हो, तमाम मुझे लगता है जितने भी लोग प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हमारी सहयोगी चित्रा हमारे साथ बनी हुई है। चित्रा, मुझे लगता है कि आप भी ये समझती हैं अच्छी तरीके से, जो कोई भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारे घरों में ये पूजा होती है। तमाम देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ अन्न की देवी अन्नपूर्णा की भी पूजा हम करते हैं और उनका नाम लेकर करते हैं कि हमारा घर जो है, घर का भंडारण जो है वो भरा रहे, हमेशा अन्न वहां पर बना रहे। और ऐसे में आज काशी की, जो काशी क्षेत्र को भी अन्न क्षेत्र कहते हैं, वहां पर खुद देवी 108 साल बाद विराजमान हो रही हैं। बहुत बड़ी बात। देखिए यकीनन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 108 साल यानी कि 100 सालों के बाद, आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति हो 100 साल पहले कहीं गया हो, तो 100 सालों के बाद अगर वो आता है, अगर वो जीवित रहता है, तो किस तरह का परिवर्तन आ जाता है। लेकिन मां अन्नपूर्णा की तस्वीर बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। और यकीनन इस बात की कल्पना भी शायद ही काशीवासियों ने कभी की होगी कि मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति चोरी हुई थी वो वापस लौटकर इतने भव्य तरीके से काशी विश्वनाथ के बिल्कुल समीप एक मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और यकीनन कहा जाता है कि जैसा भगवान ऊपर वाले चाहते हैं वैसा ही होता है, और वही हो रहा है इस वक्त काशी विश्वनाथ के इस प्रांगण में। क्योंकि एक तरफ अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं 10 तारीख के बाद अगले महीने की